Hi guys and welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Muskan and I really appreciate if you will take a moment and subscribe to my channel. So guys, ये जो intro मैं भी बना रही हूँ, यही intro मैं अभी video edit करते वक्त बना रही हूँ. So मेरी हालत में सब कुछ बहुत change होगा, because मैं उसका intro बनाना भूल गई थी. बस जैसे अच्छा ये भी capture कर लेते, अच्छा ये भी capture करते हैं, लेकिन intro और outro दोनों में उसको record करना भूल गई. So आज इस video में आप देखेंगे कि we are prepping for Niaz, which is on Tera Rajab, and it's a very special day for all the moments. So पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा हम कैसे प्रेप करते हैं. और मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपको लोग नहीं दिखाना चाहती थी कौन कौन हमारे घर आया और कौन कौन कैसे कैसे खा रहा है. बट आई शोड यू ऑल द प्रेप्स, सो लेट्स वॉच इट. यहाँ पे बन रही है खीर, और खीर के लिए मम्मा बना रही है. हाँ जी, ये राइस भी धो रही है, मैंने धो लिया. खीर में मैं चावल डाल दी हूँ. खीर हो गई है रेडी, अब हम डालने लगे कुंडों में. हम तीनों में डालना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, थिक नाइस. मामा ने खीर बनाई है तो अच्छी बनी होगी, मौला कबूल करे. हाँ माशाल्लाह हमारी खीर देखें गाइस तैयार हो गई है. कुंडों में भी डाल ली है, बाकी जो सर्विंग के लिए मैं नॉर्मल बाउल्स में भी डाल ली है. मामा वेल डन. और जो गाइस खीर बच गई है वो यहाँ पे ये चार चल रही है दोनों. मज़ा आ रहा है, बहुत मजे की बनी है. गाइस हम मशीन में आटा गूंदने की ट्राई कर रहे हैं, वरना हमें हाथ से गूंदना पड़ेगा. ये मशीन हमारे पास घर बड़ी भी थी, हमने कहा उसको ट्राई करके देखते हैं. मम्मा लगता है आपको काम करेगी. हाँ इंशाल्लाह. गाइस हमारा उसका अच्छा रह गया, अब हम अपना काम शुरू करने लगे. बिस्मिल्लाह पढ़ के सूजी और मैदा मैंने मिक्स कर लिया. हम कोकोनट पाउडर डालने लगे. ये तकरीबन आधी प्याली है. ठीक है डन. हम यहाँ पे भी सारा वेट करके सब कुछ किया ताकि बराबर रहे सब कुछ. बस स्टार्ट करने लगे. हाँ बिस्मिल्लाह करके चलें. टाइमर भी मैं देखती हूँ, खाली पहले घुमाना है. ये जी हमारी आटा हो गया और अब हम टिक्किया बना रहे हैं. मैं शेपर से बना रही हूँ, मामा हाथ से बना रही हूँ. मामा 9 दिन पुराना, 100 दिन. बोला कि मैं आज ज्यादा रख नहीं कर. देखिए जी हमें 2 ट्राई किए हैं बना के, कलर बहुत अच्छा आया है. और अब हम बाकी सारी फ्राई कर रहे हैं. मैं बनाऊंगी अब, मम्मा फ्राई करेंगी, है ना मम्मा. ये देखो जी कितनी अच्छी फूल दी है ना. गाइस ये देखिए मैं फ्राई में आ गई हूँ, क्योंकि मामा बेचारी गई थी थक. अब उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बैठ जाए, तो कहीं थी नहीं मैंने नहीं बैठना, लेकिन वो बहुत थक गई थी, उनकी कमर में दर्द होने लग गई थी. तो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा हमने बना ली थी, तो मैंने कहा पहले उनको फ्राई कर लें, फिर उसके बाद मामा को वापस बुला लेंगे. और अभी तो इतनी पड़ी हैं, इतनी हम इनको पहले फ्राई कर लें. ये पेड़े बना रही है, तब तक पेड़ा है ये, और ये वाला भी.
गाइस तभी मेरा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये आखिरी बैच है जो मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये हमारा तीसरा वो है परात। पहले मैंने दो भरी हैं, मामा ने एक भरी थी, एक मैंने भरी, अभी तीसरी भी मेरी ही साथ ही हो गई है। अब इसके बाद मामा चने बनाएंगी और जो भी सालन वगैरह बिरयानी वगैरह वो तो कल बनेगी बिरयानी। बाकी चीज़ें मामा अभी बनाने लगी हैं। कल मम्मा ने अब चने चढ़ा दी हैं, हमारा फ्राइंग का काम हो गया ख़त्म। वाइट चने बॉईल करने लगी हूँ, लहसुन डाल के। ये देखो ये है ही तो नहीं, हाँ उल्टा ये ऐसे। अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, अफलास से तंग आकर एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा ब्राय रोजगार बाहर जाता हूँ। भाई को कौन भाई को आप ना सो रही है या कलमा पढ़ते हैं क्या करते हैं या दुरुशी पढ़ते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Happy birthday, Mola. Mola Ali. तो बैठेंगे तो दो ही बैठेंगे, एक दफा देखो जा। Of course, बच्चों ने नहीं आना, मर्दों ने आना है, औरतों ने आना है। असे मर्दों ने नहीं बुलाया, मैंने तो बुलाया। अभी मैं पता भूल गया। फैसल मैंने तो अपनी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई है, नेक्स्ट मॉर्निंग बल्कि क्या टाइम हो रहा है क्लॉक ही नहीं है, अगेंस 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये अभी मैं बस वो जो खीर वगैरह के टॉपिंग्स होती है ना वो करने लगी थी, बादाम काजू पिस्ता मेवा और खोपरा। तो मैं सोचा आपको भी साथ दिखाती हूँ। मेरी इतनी हालत ख़राब है गाइस, कसम से खलियाँ पड़ी हुई हैं पूरे बॉडी में लिटरली, बट कोई नहीं करना तो है ना, अल्लाह जर देंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसके ऊपर हम डेकोर करते हैं, मेरे बाल भी इतने अजीब लग रहे हैं। गाइस ये लड़की देखो क्या लिखी आई, थक गई हो लग तो रहा है। आए ओए एकदम सही लग रहा है, बस दो पे बहुत है क्योंकि सब लोग नट्स नहीं खाते जैसे मैम नहीं खाते। गाइस ये रंबो अपने खीर भेजती है रम के हाथ फ्रिज में रखने के लिए, और जो पुरानी वाली थी वो तो मैं याद रखने लगी। आई और पाओ मैं थक गई, बहुत थक गई। आमना से मैंने कहा जी चाय बना दो प्लीज, इलम इसके ऊपर के कवर है ना वही इसके नीचे चने हैं, नहीं कुछ है हलवा है। चाय लेके आई हूँ हमारे लिए और अपने लिए। आमना गाइस उठी नहीं थी ना, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था ना ये उठी नहीं सुबह, मुझे कह रही किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। जा नहीं अम्मा आपने चाय नहीं पीनी, बनाती हूँ। सो गाइज मैंने अभी क्विकली चेंज किया है और मैं बस हल्का सा कंसीलर लगाने लगी क्योंकि रात को सोए नहीं अच्छी तरह, तो हल्का सा डार्क सर्कल का पफिनेस आ गया है, तो उसको बस टेम करने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई बिट ऑफ कंसीलर। पता नहीं कुछ अब पता है ना जैसे स्किन को कि शादी आ रही है, दाने निकल रहे हैं यार, अजीब हरकत है ये देखो। I haven't even changed anything कि मैं कहूँ कि मैंने कोई नई चीज़ स्किन पे ट्राई की है, कुछ भी नहीं। पानी भी अच्छा खासा पी रही हूँ, इसका मतलब है कि स्किन को शादियाँ नहीं पसंद हैं। अगर आपको बहुत हल्का सा ब्लश ऑन चाहिए ना लाइक वेरी लिटिल, तो उसके लिए एक टिप है कि आप जिस ब्रश से आपने फाउंडेशन या कंसीलर लगाया ना उसी से आप ब्लश को ब्लेंड करें। वो ये मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि वो जब आप उसी से करते हैं तो वो अच्छा ब्लेंड हो जाता है, ऐसा लगता है कि स्किन में ही है
प्लस वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई मरियम परवेज कॉस्मेटिक का रोज स्टिक ब्लश. इट्स अ वेरी नाइस पिंक कलर और ये ब्लेंडी वाली बहुत अच्छा है. आई एम गोइंग टू यूज द सेम ब्रश. गाइज ये मेरा जो ट्रेवल बैग है ना, मैंने सोचा मैंने कभी दिखाया नहीं. दिस इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी और इस पर सेलिना गोमेज़ के ऑटोग्राफ है. लाइक ये मैंने सिफोरा से कुछ परचेज किया था, तो वो उसका था कि अगर आप इतना परचेज करेंगे मिनिमम तो फिर ये साथ फ्री मिलता है. तो मैंने उसके ब्रशेज और वो हाईलाइटर्स लिए थे एंड मुझे उन्होंने फ्री में दिया था. तो मेरे पास सेलिना गोमेज़ का ऑटोग्राफ है. लाइक आई लव रेयर ब्यूटी. बहुत अच्छे ब्लशेज और वो हैं उनके, लास्टिंग पिगमेंटेड. अभी मैं हुदा ब्यूटी का ग्लोइश पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ऐसा फाउंडेशन पाउडर. अच्छा उन्होंने एक पेज किने में मतलब 200 पूरी आई साड़ी. तो ये देखो जी जौहर जैसा तैयार होके आ गए हैं. कुछ बोल लो. वालेकुम सलाम. ये रहे. ये सुबह ही गीली थी. ये ले भाई, ये पकड़ना. से पहले फिर हम लोगों को खिलाएंगे. ये पूड़ियाँ गरम गरम साफ भटूरे भटूरे हैं. हाँ नीचे पूड़ियाँ हैं. ये पूड़ियाँ. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड ऑल द प्रेप्स एंड एवरी थिंग. ज़्यादा तो कुछ नहीं था इसमें, लोगों का खाता हुआ दिखाता हुआ, खाता हुआ दिखाया नहीं मैंने. सो आई होप आपको मज़ा आया होगा ये व्लॉग देख के, कुछ डिफरेंट देखने को मिला है. नेक्स्ट जो व्लॉग आ रहा है वो बहुत मज़े का होने वाला है, बिकॉज शिफ्ट चेंज है. कल से शादी का व्लॉग आने वाला है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये कैसा लगा.